मस्कत उमान की जेलों में फंसे पाकिस्तानियों की नज़रें वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा उमान पर जम गई। परदेश में कैद काटने वालों के रिश्तेदारों का कहना है कि मुतादिद मुमालिक के सरबराहान ने उमान से अपने कैदियों को रिहा करवाया, लेकिन सैकड़ों पाकिस्तानी कैदी बेयार और मददगार वहाँ जेल में सजाए भुगत रही है। शोहर का नाम है नेतुल्ला, 10 साल से वो मस्कत उमान की जेल में सजा काट रहा है। ना उसने कुछ कहे, कुछ गुनाह भी नहीं किया, बस वैसे ही उसको पकड़ के ले गई। अभी मेरे इमरान खान से, चीफ जस्टिस से यही रिक्वेस्ट है, अपील करते हो उसको कि हमारे लिए कुछ करो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, औरतें जिनकी जो ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। कैदियों के लिए वाहिकीन कहते हैं कि अपोजिशन में होते हुए मुराद सईद इन कैदियों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन अब हुकूमत में होते हुए भी सिर्फ वादों पर वादे ही कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी है, कोई भाई है, कोई और साथी ओमान की जेल में है और तकरीबन 10-12 साल से जेल में सज़ा काट रहे और बेगुनाह है। और हम इमरान खान और मुराद सईद साहब से ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करें। हम दियार गैर में फंसे बेबस कैदी नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, जिनका परदेश में अल्लाह की सेवा कोई असर नहीं। रिहाई के लिए नजरें सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर जमा।